मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। आपको हमेशा अच्छी वजह की फिक्र रहती है, भाई अपनी परेशानी में रहते हैं, फोन सारा दिन घर से बाहर रहता है, जल्दी आ गए तो सोया पड़ा है। अब मैं बताए मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? नई नवेली दुल्हन हो तुम है, कोई कामदानी जोड़ा पहनो ना, हाथ में चूड़ी ना कोई छल्ला ना मेकअप, सादी सूदी सूट के आके बैठ जाती हो। खालदा बाजी इतनी जल्दी बदल सकती है? और कोई भी हो, ऐसे कैसे कोई इंसान एकदम से बदल जाता है? मेरी हालत पे है आसमां भी रो रहा। अच्छा सुनो, जी भाई चलो रहने दो, मैं खुद बात कर लूंगा उससे। सॉरी। नहीं क्या हुआ? अरे ये तो तुम ही हो, मुझे लगा कि मैं किसी गलत कमरे में आ गया हूं जहां एक बहुत ही खूबसूरत औरत खड़ी है। ऐसे मुझे आज अपनी चॉइस पे बहुत ही फख्र महसूस हो रहा है। तुम जानती हो नादिया कि आज से पहले कभी भी किसी भी लड़की या किसी भी औरत पर मुझे ये लिबास अच्छा नहीं लगा, या शायद मुझे साड़ियां पसंद ही नहीं थी। अच्छा तो मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ। अब क्या फायदा, अब तो बिजलियां गिर चुकी हैं। ओहो, हो गई तारीफ है, अब चले। अभी ठीक है, देखो तो। हो गई तारीफ है, अम्मी इंतजार करें, चले। अरे यार ये क्या है, ये हमेशा घर वालों से डर कर क्यों रहना, चले। अच्छा सुने, सोच रही थी कि अगर आपको मेरे ऊपर साड़ी की पसंद आ ही गई है तो उसके साथ वही झुमके पहनो जो आपने मुझे लाके दिए थे। हाँ वो पहनो, और अच्छी लगेगी। ठीक है, लेकिन फिर साथ ही बाहर जाएंगे। हाँ अम्मी, बड़ी प्यारी लग रही है ये तो, है ना अम्मी? मैंने भी सही कहा था, मगर ये है कि मान ही नहीं रही। भाई साड़ी क्या जच रही है तुम पे, हैं? भाई सीमा मैं तो कहती हूँ ये साड़ी इससे वापस ना लेना, देखो तो सही ये रंग कैसा अच्छा लग रहा है इस पर। अम्मी लेकिन ये तो, भाभी मैं आपको दूसरी साड़ी ला दूंगा, वाकई में ये कलर इससे बहुत सूट करता है। भाई वो क्या है कि मैं इसका सदका दे, है ना? ये भाई ये तुम रास्ते में किसी फकीर को दे देना, भाई बहुत प्यारी लग रही है, मुझे तो लगता है आज इसे मेरी ही नजर लग जाएगी। सीमा जाओ जरा जाके मिर्चे लेके आऊं, मैं इस पे से वारूं। भाभी ज्यादा मिर्चे लाइएगा, वो क्या है ना मेरी भी इसे नजर लगी हुई। अपनी अम्मी के घर जाओ, उनसे मिलो। नहीं बेटा भाई इसे लेके जाओ घुमाने, और यही दिन होते हैं शादी के बाद घूमने फिरने के, उसके बाद तो घरदारियों और बच्चों में सब लग जाते हैं। लाओ बेटा ये बच्ची के।
ये लो भाई, चूल्हे में डाल देना। अम्मी जान, बस आप हमारे लिए हमेशा यूं ही दुआ करती रहोगे। सर, अच्छा अब हम चलें। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। वहीं रख दो। हाय अल्लाह, अरे क्या हो गया? अभी से कमर में दर्द हो गया है? बस वहां बुढ़ापा आ गया। लो अब इसमें भी हमारा मुकाबला होगा, बुढ़ापे में भी, है ना? इसमें मुकाबले की क्या बात है, बुढ़ापा तो आना ही है ना। हाँ, अब इस घर में बैठी बैठी तो बूढ़ी हो जाना। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ कि मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का देख के तुम्हारी शादी कर देती हूँ। अम्मा सठिया गई हो क्या, दिमाग से नहीं बातें निकाल। मैं कहीं नहीं जाने वाली, करके देख ली मैंने शादी, हो गया शौक पूरा मेरा। हाँ तुम मेरे सीने पे मुंह दलती रहो। अरे मैं तुमसे कह रही हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देखना, किसी दूसरे का घर आबाद कर दे बेटा। अब सत्तार नहीं आने वाला। मुझे नहीं है, आपको है उसका इंतजार। मैं जानती हूँ वो पलट कर नहीं आएगा। और अम्मा बताए देती हूँ, मेरी शादी का जिक्र ना अब इस घर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, बैठी रहो बुढ़ापे तक, किसी तरह मरने का इंतजार करती रहो। जब मैं मर जाऊँ ना तो फिर इस घर में ना अकेले सर टकराती रहना दीवारों से। अकेली नहीं रहूंगी मैं, मरूंगी तो तुम्हारे साथ, देख लेना। आए है, तो फिर जल्दी से दुआ करके मैं भी मर जाऊँ तू भी मर जाए, मेरी जान अदा में की हुई है, या ना सो जाए। इसको क्या कह दिया, तो ऐसी तनतना के चली गई। हर लोग तीन लड़कियों की भी ना जरा सी बात कह दे तो चली जाती। रानी एक कप चाय तो पिला दे बेटा। मैं जरा पढ़ रही हूँ, बाद में ना। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। क्या बात है भाई, आज मेरी बेगम की बड़ी तारीफ हो रही है। आज सुबह ही अम्मी भी इसकी काफी तारीफ कर रही है, और तो और इसकी नजर भी उतार रही है। क्या खालदा आंटी ने? रानी खालदा बहन अब नादू की सास है, अब ये उन्हीं की बेटी है। अम्मी मैं तो बस ऐसे ही। इतने दिनों बाद आई हूँ, आज तो ना रानी के हाथ की चाय पी के जाऊंगी। चले मेरे से एक काम करो, चले तुम कहाँ? अरे पगली है बिल्कुल। खालदा बहन को भी ले आते बेटा। आंटी दरअसल हम लोग कहीं और से आ रहे हैं। और ये बताइए आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। रानी अच्छी बच्चिया, अब तब खुश है ना? बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है खालदा आंटी का रवैया मेरे साथ इतना बदल गया है, यकीन ही नहीं आता। आज जिस तरह से दुआएं दे रही थी ना,
मेरी रूह तक को सुकून मिल गया। अरे वाह। अच्छा बताओ ना, तुम्हें क्या जरूरी बात करनी थी? वो अच्छी बच्चिया, हमारे ना कॉलेज में फेयरवेल पार्टी हो रही है, तो सारी दोस्तें ना साड़ी बांध के आ रही है। अच्छा, मुझे भी साड़ी पहननी है, लेकिन अभी पहनी नहीं दे रही, तो आप बात करें ना उनसे। क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें हमारे खानदान का नहीं पता? लड़कियां शादी से पहले साड़ी नहीं पहनती। मुझे ही देख लो, जिंदगी में पहली दफा बांधी है साड़ी। तो फिर मैं क्या पहनूं? मेरे पास तो कुछ नहीं है पहनने को। क्यों नहीं है? अभी नईम ने तुम्हें इतना प्यारा जोड़ा दिया है, वो सिलवा के पहनूं? वो तो पिछले हफ्ते दोस्त की सालगिरह में पहन लिया, सबने देख लिया मुझे उसमें। प्लीज आप बात करें, मेरी सारी दोस्तें पहन रही है, एक बार सिर्फ एक बार बात कर लें प्लीज। पागल हो गई हो रानी? अम्मी कभी भी नहीं मानेंगी। और तुम्हें पता है साड़ी बांधना कोई आसान काम नहीं है, इतना मुश्किल है, इतनी मुश्किलों से मैं लपेट के बैठी हूँ, तुम्हें अंदाजा नहीं है। वो तो आपको शौक नहीं है ना, मुझे तो बचपन से शौक है कि मैं साड़ी बांधू। आप बात करें बस। अम्मी क्या पट्टियां पढ़ा रही हो बहन को? अम्मी अम्मी सिर्फ एक बार, उसके बाद कभी जिद नहीं करूंगी, सिर्फ एक बार पहने दे। रानी एक दफा मैंने तुम्हें मना कर दिया है ना, चलो जाओ जाके चाय बनाओ सबके लिए, और अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। अम्मी आप भी क्यों जिद कर रही हैं, एक दफा उसको शौक पूरा कर लेने देना। रानी तो बेवकूफ है, बिल्कुल पागल है, और वैसे भी ये लिबास तो सिर्फ शादीशुदा लड़कियों पर अच्छा लगता है ना बेटा। चलो खैर छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि खुश तो हो ना, अब तो कोई परेशानी नहीं है अपने घर में? अम्मी तो माशाल्लाह से सब कुछ इतना अच्छा हो गया है, नईम की अम्मी का रवैया मेरे साथ ना प्यार करने लगी है। अब मुझे समझ में आया, नईम बिल्कुल ठीक कहते थे, उनकी अम्मी की ना जबान कड़वी है मगर दिल बहुत अच्छा है। शुक्र अल्लाह का। देखो बेटा अब तुम्हारा फर्ज है कि तुम ससुराल वालों का दिल जीतो। बड़े बूढ़े कहते हैं कि चांद प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तुम उन सबका ख्याल रखो, वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेरी बेटी वैसे भी बड़ी समझदार है ना। थैंक यू। अरे भाई कोई मुझे नाश्ता देगा बुढ़िया को, या वो भी धोबी घाट की नजर हो गया। मुंह में जबान नहीं है तुम्हारे क्या? हम बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। 10 बज गए 10, उठो नाश्ता कर लो अगर चलना है, चलो आओ। कौन से गम के पहाड़ टूट पड़े हैं जो सुबह सुबह टसवे बहाए जा रहे हैं? कोई गम का पहाड़ नहीं टूटा मुझ पर, मेरी जिंदगी तो बहुत खुशहाल है, मैं शायद इस घर में बहुत खुश हूं। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे जब भूख लगेगी ना मैं खा लूंगी। ठीक ही तो कहा आपने, जो कहती है बहुत ठीक कहती है, मगर जब आप ऐसा कहेंगी तो न जाने दुनिया वाले क्या क्या बातें बनाते होंगे मुझ पर, मगर मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, जो अल्लाह की मर्जी। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, तुम तो जानती हो ना, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे, ऑल फॉल बकते लगती हूँ, क्या करूं, सदमे कम है, और हर वक्त मुझे ये फिक्र रहती थी कि तुम कहाँ चली गई हो। अभी भी मेरी दिन रात की नींद उड़ी हुई है, मुझे डर लगा रहता है कि तुम कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाओ। तुम्हारे सिवा मेरा और है कौन बेटा? थोड़ी देर नजरों से ओझल होती तो पागल हो जाती हूँ। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो अगर मैंने कुछ गलत किया है। मुझे पता है मैं तुम्हारी गुनाहगार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं तो चाय के चक्कर में आता हूँ आपके पास, मैं तो इस काबिल नहीं है कि तेरे पास आया जाए और टाइम जाया किया जाए। ऐसी बातें कर रहा है? मैं तो ये चाय जबरदस्त बनाता हूँ। वालेकुम सलाम गुल्लू भाई, मैं आपके बारे में सोचा था, बल्कि आप ही घर आना चाह रहा था मैं। क्या हो गया, खैरियत थी? कोई काम वाम है तो हुक्म करें।
यार कुछ सुना था, सोचा आपसे मालूम कर लूं। क्या सुन लिया बताओ भाई? वो नईम का वलीमा हो रहा और वो भी बड़ी धूमधाम से। सोचा आपसे पूछूं खाने में क्या क्या रखा है। गुड्डू बता रहा था कि बहुत कुछ है भाई, गुलाब जामुन, कोरमा, बिरयानी और हाँ सालिम बकरा है, गाय के पाए हैं और बहुत कुछ है, लेकिन आप इनवाइटेड नहीं है। क्यों भाई, क्या हम मोहल्ले में शामिल नहीं है? अब आप कह रहे हैं कि आप मोहल्ले में शामिल नहीं है, जब मोहल्ले पे मसाइल आए तो आंखें और दरवाजा बंद करके बैठ गए थे। मोहल्ले में शामिल नहीं, अजीब बात कर रहे हैं यार। यार देखो गुल्लू भाई, वो औरतों का मामला था। और औरतों के मामले में हम नहीं बोलते, और वो भी खालदाबाजी के। अब वलीमा भी खालदाबाजी करा रही है, बेहतर है कि आप पहले की तरह दरवाजे में बंद होकर बैठ जाएं। जी हाँ, अगर आपने वलीमे में आने की कोशिश की ना तो सबसे पहले मैं आपकी बजाऊंगा ईंट से ईंट। यहाँ बैठ कर ना आराम से अंडे बेचिए, चलता हूँ। कितने हो गए? जी 220। 220 बहुत हो गए। हालांकि कितने लोग तो अभी बाकी हैं? ये 250 से ज्यादा लोग बुलाना नहीं चाहते। बाकी जो रह गए हैं, क्या उनके घर से दो दो अफराद को बुला ले? वो कौन है भाई? तुम्हारे घर वाले, अब वैसे भी तुम्हारे खानदान वाले जो हैं वो तो वलीमा खा चुके हैं हमारे यहाँ का। बस तुम अपनी माँ को कह देना। जी ठीक है। अब बताओ भला मैं अपनी बहन को किस मुंह से बुलाऊं? उसकी बेटी का नाम लेकर छोड़ दिया। इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है ना, आप बुला लें उन्हें। एक बात मैं और सोच रही थी, ये इतने सारे लोगों का खाना अच्छा खासा खर्चा है, और फिर वलीमे का जोड़ा, हमारी तैयारी, ये नईम के ऊपर बहुत बोझ होगा। इतने खर्चे के बाद सलीम और नईम को जेवर का तो कह नहीं सकती। तो मैं ऐसा करूं के अपना जेवर दे देना, भाई खानदान की इज्जत का मामला है, कुछ दिन के बाद वापस ले लें। मगर अम्मी फिर मैं क्या पहनूंगी? तुम कौन सी चार दिन की ब्याही हुई दुल्हन हो जो सारा जेवर चढ़ा के बैठोगी? पहन लेना कुछ भी हल्का फुल्का सा। पर वैसे भी तुम्हें कौन देखने आ रहा है? जो भी आएगा तकरीब में वो नादिया को देखेगा, तुम्हें नहीं। मेरी हालत पे है आसमां भी